वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, कैसे से होंगे। और साथ में माजत भी चाहती हूँ कि अगर आवाज़ मेरी थोड़ी आ रही तो असल में मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, दवाइयाँ वगैरह खाने की वजह से आवाज़ मेरी बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो बड़ी मुश्किल से आज कुछ गले को दर्द का आराम हुआ है, लेकिन आवाज़ जो है ना थोड़ी तब्दील हो गई है। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, तो व्लॉग आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो सानिया भी मेरे पास आई हुई है सुबह से, अंबर भी आई हुई है। तो अभी जो है ना मैं अपने पापा के साथ हूँ, तो आज जो है पापा की तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, गला खुश्क हो गया ना। हाँ, ख़राब हो गया गला। तो अंबर भी आई हुई थी मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमारा कल दवाई वगैरह ली है, वो तो ठीक हो गई है, और माशाल्लाह से बाकी बच्चे भी अब बिल्कुल ठीक हैं। तो शाम का टाइम हो रहा है और सुबह से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चली हुई है। सुबह सुबह बारिश भी आई थी, सुबह सुबह तकरीबन हाँ 3-4 बजे तो थोड़ी थोड़ी आई थी, तो हवा जो है ना ज्यादा चली है ना। आज भी लगता है कि कुछ मौसम खराब, मौसम अभी भी जो है ना ठंडा है, लेकिन हो सकता है बारिश रात आ भी जाए। और मुजम्मिल क्या कर रहा है? मुजम्मिल लग जाएगी, आराम करो। अच्छा ये काम कर रहे हो आज है? तो इसके कान को दर्द हुआ है अभी, खेल से नींद से उठाया अभी है, इधर से चलो। तो आज कुछ रेसिपी भी बनाते हैं और चल के देखते हैं कि आज क्या सब्जी आई है। पहले चलते हैं कुछ लहसुन वगैरह भी तोड़ लेते हैं। तो जी लहसुन तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो रहा है, वैसे मेथी भी बहुत अच्छी हो रही है। वो आज सानिया जो है ना चिकन खाई है ना, इसकी अम्मी आई है कल, वो चली गई है, तो इन्होंने कहा है कि आज हम जाते हैं। तो आज रुकोगे? नहीं, अब आए हुए इसके साथ चले जाएंगे। क्या चले जाओगे? स्कूल जाना होता है ना, ऐसा नहीं होने। इसलिए आज जुमा का दिन था ना, तो इसलिए हमने सोचा कि आज यहीं पर आ जाते हैं, वक्त की जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो मेरी तरफ से आप सब बन रहे हो, जुमा तक भी बड़ा खाओ। जी बिल्कुल। तो थोड़े से मैंने इसमें से मेथी के पत्ते भी तोड़ने हैं, ये देखें, और कुछ सब दुनिया का भी। तो अभी जो है ना हम किचन में आ चुके हैं, मैंने सब पहले आटा गूंद लूं क्योंकि शाम का होता है, मुझे भी खाना भी बनाना है। उसके अलावा एक मसला भी हो गया है और वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे, आपको दिखाती भी हूँ मैं क्या काम कर लूँ कि वो क्या मसला है। तो आप लोगों ने मशवरा भी देना है, काफ़ी सोचने के बाद फिर भी हमारा मसला हल नहीं हुआ है, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी जो है मसाले तैयार कर रहे हैं, तो सानिया कह रही है कि मुझे आलू काटने हैं, तो मैंने इसे कहा कि आप आलू काट लो और इसका तरीका चेक करें कैसे काट रही है। तो सब धनिया सब लहसुन ये भी मैं काट लेती हूँ, और चिकन भी मैं ले आई हूँ, ये देखें आलू वो काट रही है, बाकी प्याज टमाटर भी हैं ये भी काटते हैं। टमाटर भी काट लेते हैं। तो अभी प्याज भी काट लेते हैं, मसाले तकरीबन मैंने तैयार कर लिए हैं, लेकिन ये देखिए आलू ये खराब कर रही थी, इसे मैंने कहा है आप रख दो खुद बना लो। तेरे को भी नहीं आता आलू काटने का? तो आप लोगों ने मेरे चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मेरे चैनल का नाम है सानिया फैमिली व्लॉग। जी बिल्कुल, इसके चैनल का नाम सानिया फैमिली व्लॉग है, तो आप लोगों ने इनकी भी भरपूर सपोर्ट करनी है और हमारी भी करनी है। तो जी अब मैं आलू काट रही हूँ और बाकी मसाले मैंने बना लिए हैं। और आज बच्चे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, ही आज काम किया है सुबह से, खेलने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, मैं आलू धोने के लिए आई हूँ और साथ में चिकन भी ले आई हूँ, इसे धो लेते हैं। तो अभी जो है मगरिब का टाइम भी होने वाला है, सूर्य गुरु हो गया है, तकरीबन थोड़ा सा बाकी रह गया, बादल अभी भी आ रहे हैं।
बारिश आ ना जाए कोई पता नहीं। तो अभी जो है ना आग जलाते हैं, उसके बाद जो है ना खाना बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना लकड़ी जो है ना बाहर पड़ी थी, तो इसको इनको जो है ना अंदर ले आए। थोड़ी सी ले आए बाकी हाँ, तो अभी कुछ बाहर भी पड़ी हैं, तो ये मोटी लकड़ी एक साथ लगा देंगे तो आग जो है सही जलेगी। और मुजम्मिल भी साथ आया, कि सारा दिन खेल खेल के ना उसकी हालत देखो, चेक करो। केला क्या इसके आज कौन को दर्द रोता रहा है ना, अब ऐसे हो गया। सलाम करो, ऊपर मुंह करो। कैसे हैं आप लोग, ये देखो आग चल रही है और घी डालते हैं। गर्म हो गया उसके बाद प्याज डालेंगे। गर्म हो गया तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को गर्म करेंगे, उसके बाद फिर हम धुआं बहुत ज्यादा हो जाता है देखिए ना। लेकिन ये है कि अब बारिश का डर नहीं है, तो बारिश आ भी गई ना तो अब खाना बनाने के लिए नई जगह है। प्याज हल्के बराबर हो गए हैं तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे। गरम मसाला नहीं बढ़िया गरम मसाला पड़ेगा, डालेंगे लाल मिर्च में उसमें डाल देंगे थोड़ी देर मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। मसाले भी इसमें मिक्स हो चुके हैं और थोड़ी देर चिकन भी भर चुका है और अब हम इसमें आलू डालेंगे। आपने क्या बनाया था आज वीडियो में? अंडा बनाया थे, अंडा तो दिया। अच्छा कैसे जा रही है वीडियो, सही चल रही है? अच्छा अच्छा नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका चैनल वैसे भी अच्छा जा रहा है, हालांकि अभी तक ज्यादा मतलब लिंक वगैरह भी नहीं लगा हुआ है, फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लिंक लगा देगा। हां इंशाल्लाह लिंक लगा देंगे। अब जो ना अब किस वो हो गया ना मोनेटाइज होने वाला है ना, मोनेटाइज हो जाए फिर लगा देंगे। पता है क्या है, जिसको मतलब सपोर्ट के बगैर जो चैनल चलता है ना वो ज्यादा बेहतर होता है। इंशाल्लाह लगा देंगे कुछ दिन तक वे जो है ना आपके साथ वीडियो भी बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह पार्टी करेंगे। तो मैं रोज बना लेती हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके 1000 आपके 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो आपने कोई पार्टी वगैरह नहीं की है? कोई पार्टी वगैरह? हाँ वही 1000 से ऊपर हो गए ना, पार्टी वगैरह नहीं की आपने? नहीं नहीं पार्टी पहले कर लेते ना, 1000 की पार्टी कर लेते ना। अच्छा मोनेटाइज होगा फिर करोगे? अच्छा फिर खुशी ज्यादा होगी ऐसे। हाँ हमने बना लिए, ये भी करते थे। तो हमने जो ना उधर उनके भाई के साथ बनाई आज, मेरी बहन के साथ, मामू के साथ। हाँ मेरी बहन और आपका मामू। तो अभी आप रोटी बनाए, मैंने यूएस से जो कहा है ना कि मैं हमारा जो मसला हो गया ना वो उनको दिखाती हूँ, जो फिल्टर वाला मसला हो गया आप क्या करेंगे। अभी मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे साथ मसला हो गया है वो आप लोगों से शेयर करते हैं। मामू जी इधर खड़े हैं तो ये देखेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने दीवार देखी थी जो आप लोगों को नज़र बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि वो टूट गई है। तो उसकी वजह मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसकी वजह ये है कि हमने फिल्टर लगवाया है, आप लोग जानते हैं, और उसी की वजह से हमने दीवार भी बनवाई थी। तो अस्सलाम वालेकुम प्यारे, कैसे हैं आप लोग? हम भी ठीक हैं। दीवार तो हमने बनाई थी, जैसे
आप मेरी बहू बता रही है ये, लेकिन इसकी फायदा नहीं हुआ, धूप आती थी इस पर, फिर भी धूप आ जाती थी। हम सोच रहे हैं लकड़ी का नाकने इसके ऊपर। वैसे पहले भी हमने ये सोचा था, लेकिन हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया, इसलिए हमने दीवार बनवा ली, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। दीवार बनवाई है, दोबारा से फिर तोड़नी पड़ी है। एक तो जहाँ से पानी वगैरह नहीं निकाल सकते थे, दीवार आगे से आ जाती थी, तो कोई काम भी अच्छे से नहीं हो रहा था। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि इस पर धूप आ जाती थी जो भी हम करते थे। तो आप लोगों ने मशवरा ज़रूर देना कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप बहन भाइयों ने हमें मशवरा देना है इस पर क्या करें, इसको धूप से बचाना है। जिन्होंने लगा के दिया है ना मिस्त्रियों ने, उन्होंने कहा कि इसको धूप से बचाना है, फिर सही चलेगा, क्योंकि धूप आ गया ना तो फिर खराब हो जाएगा। ऐसे हमारे जहन में तो ये आया है कि हम लकड़ी का बना के इसके ऊपर केल वगैरह लगा के कहाँ पर, अगर आपके जहन में कोई बात आती है तो हमें कह रहे हैं। हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने पहले कभी लगवाई नहीं है, पहली बार लगवाया है। और दीवार का मसला जो था वो बनवाई तो ज़रूर है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए तोड़ दिया है। तो फिर कल इंशाल्लाह कुछ सोचते हैं, आप लोगों ने मशवरा देना है ताकि हम ज़्यादा अच्छे से मतलब बना सकें। तो आज की वीडियो आप सब कैसी लगी है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब बहन भाइयों के लिए हमारी बहुत ज़्यादा दुआ होती है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी दुख या तकलीफ में अल्लाह ताला से निजात दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।